एक तो उससे पहले गाना गा रहे थे क्योंकि हमें भी प्यार हो गया हैंगे और मामा को भी प्यार हो गया हैंगे, तो हम ये सोच रहे हैंगे कि शायद हम साथ में ही शादी कर लें क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैंगे। तो अभी देखते हैंगे कि वो उनको किससे प्यार हुआ हैंगे, हमको अभी तक उन्होंने बताया नहीं, बस ये बताया हैंगे कि उनको प्यार हुआ हैंगे और हमने भी उनको बताया नहीं कि हमको भी किससे प्यार हुआ हैंगे, बस दोनों को प्यार हुआ हैंगे, अब हम जल्द से जल्द शादी भी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता हैंगे। ऐसे कहते कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैंगी, तो हमको तो पूरा भरोसा हैंगे, हमको जिस लड़की से प्यार हुआ हैंगे उसी लड़की से मामा को बिल्कुल प्यार नहीं हुआ हैंगे। हम तो पक्का ही जानते हैंगे कि बस ये दोस्ती बरकरार रहेगा और हम दोनों एक दूसरे की शादी में खूब नाचेंगे। भाई देखिए ऐसा है, हमारी पहली पत्नी राम को प्यारी हो गई, दूसरी श्याम को प्यारी हो गई, तीसरी पड़ोसी पड़ोस में एक राशन वाला राधे श्याम था उसके साथ भाग गई। अब हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, पत्नी की हमें जो है बहुत कमी फील हो रही है। तो अब हमारे ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि शायद फिर से एक चौथी पत्नी आने वाली है, तो बस वही देख रहे हैं और लगता है कि अब ये हमारी चौथी पत्नी बनेगी। लगता है, होता है या नहीं ये तो भगवान ही मालिक है। और अब हमें ये भी शक है कि एलिजा भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ है, उसकी शादी नहीं हुई आज तक। तो हमने कहा भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम तो आराम से रह सकते हो, लेकिन हमारी तो हो चुकी है तीन तीन बार, हमें अनुभव ज़्यादा है, हम अनुभवी दूल्हा हैं, हम अनुभवी आदमी हैं जो समझ सकते हैं कि एक पत्नी को कैसे रखा जा सकता है।